नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आपका स्वागत है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से वापसी करने वाले बांग्लादेश के दिग्गज ऑलराउंडर शाकिब अल हसन को जान से मारने की धमकी मिली है। फेसबुक लाइव के दौरान बांग्लादेशी ऑलराउंडर को ये धमकी दी गई है। इस तरह से किसी भी बांग्लादेशी क्रिकेट को धमकी दिए जाने की ये पहली घटना है। एक शख्स ने अपने फेसबुक अकाउंट पर लाइव वीडियो के दौरान शाकिब को जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने अपना गुस्सा इस क्रिकेटर पर निकाला और इस दौरान बेहद भद्दी भाषा का प्रयोग किया। शाकिब को सोशल मीडिया पर अपशब्द कहे जाने के साथ जान से मारने की धमकी भी दी। बता दें, बांग्लादेश के स्टार ऑलराउंडर शाकिब अल हसन को जान से मारने की धमकी मिली। फेसबुक लाइव के दौरान शाकिब अल हसन को जान से मारने की धमकी मिली है। शाकिब अल हसन 16 नवंबर को कोलकाता काली पूजा करने के लिए पहुंचे थे और इसी वजह से उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। बांग्लादेश के किसी खिलाड़ी को इस तरह से जान से मारने की धमकी मिलने की ये पहली घटना है। शाकिब अल हसन ने काली पूजा का फेसबुक लाइव किया था और इसी दौरान खिलाड़ी के खिलाफ एक व्यक्ति ने अपशब्द इस्तेमाल किया और जान से मारने की उन्हें धमकी दी। इस व्यक्ति की पहचान मोहसिन के तौर पर हुई है। मोहसिन नाम के इस व्यक्ति ने शाकिब की जान लेने के लिए ढाका पहुंचने की बात तक कह दी है। हालांकि सियाहट के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने शाकिब को सुरक्षा का भरोसा दिया है। सियाहट के बीएम अशरफ उल्लाह ताहिर ने कहा कि शाकिब को धमकी देने वाले शख्स के खिलाफ एक्शन लेने की शुरुआत हो गई है। उल्लाह ताहिर ने कहा कि जल्द ही इस मामले में कार्रवाई पूरी की जाएगी। फेसबुक हालांकि पहले ही इस मामले में कार्रवाई कर चुका है। फेसबुक ने मोहसिन के कमेंट को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया है। बता दें कि शाकिब अल हसन ने हाल ही में एक साल के बैन झेलने के बाद क्रिकेट मैदान पर वापसी की है। फिक्सिंग से जुड़े मामले की जानकारी नहीं देने की वजह से शाकिब अल हसन पर ICC ने एक साल का बैन लगाया था। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।